मेरे लास्ट 20 ईयर के गेट टीचिंग एक्सपीरियंस और थाउजेंड्स ऑफ टॉपर्स को प्रिपेयर करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इट इज़ द लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विच डिसाइड्स कि हु विल बी द टॉपर। और मैंने नोटिस किया है कि जो बच्चे सीरियसली गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 30-40 डेज में दे ड्रॉप देयर प्रिपरेशन, है ना, डीमोटिवेट होकर अपनी प्रिपरेशन बंद कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ ड्रॉपर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट ज़ील, माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड हाउ टू प्लान योर प्रिपरेशन इन लास्ट 30 डेज ऑफ द गेट। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि सेट योर गोल, आई शुड बी इन टॉप 10 या आई शुड बी इन टॉप 50 एंड ट्राई टू अचीव दैट गोल, वर्क हार्ड टू अचीव दैट गोल। विनर सेट गोल्स एंड लूजर मेक्स एक्सक्यूज, तो डोंट बी लूजर, डोंट मेक एनी एक्सक्यूज कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर। सेट यूर गोल एंड वर्क हार्ड टू अचीव दैट। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि स्टॉप कंपेयरिंग यूर सेल्फ, डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विथ समवन अदर्स, ही इज गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, आई एम गेटिंग वेरी लेस मार्क्स। फोकस ऑन यूर सेल्फ, वॉट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग इन द टेस्ट, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। ट्राई टू ओवरकम दैट मिस्टेक्स, ट्राई टू ओवरकम यूर वीकनेस। विनर फोकस ऑन विनिंग ओनली, लूजर फोकस ऑन विनर्स। तो डोंट फोकस ऑन अदर कि ही इज गेटिंग गुड मार्क्स, वाई आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इट इज़ वेरी फाइन, वेल एंड फाइन, ट्राई टू इम्प्रूव दैट। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स तो फोकस ऑन यूर सेल्फ कि वाई वे आर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक। इफ यू फोकस ऑन दिस थिंग डेफिनेटली योर मार्क्स विल बी इम्प्रूव। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ कि इफ यू आर ए 10th पोजिशन इन द लिस्ट, तो इन प्लेस ऑफ एंजॉइंग यस आई एम ए 10th पोजिशन, आप सोचते हो कि नहीं मेरे से आगे नो और है, तो वो नो और है इट्स ओके। आप 10th पे आप इसको एंजॉय करिए और क्या मिस्टेक्स आपने की है, से 9 पीपल गेट मोर मार्क्स देन टू यू, तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट एरर्स, उन एरर्स को आप रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली यू विल टॉप। आप ये चीज़ ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि वो 9 पीपल आर अहेड मी, आप ये चीज़ सोचिए कि मैं 10th पे हूँ, बहुत अच्छी बात है, और मैंने क्या मिस्टेक्स की है सो दैट आई एम एट 10th। आपसे आगे कौन है वो नहीं देखिए, अपनी वीकनेस पूरा फोकस करेंगे आप अपने पे, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस, इन चीज़ों पे पूरा फोकस रहेगा तो डेफिनेटली यू आर एबल टू ओवरकम योर वीकनेस एंड यू विल बी इन टॉप 10, यू विल बी इन टॉप 1, आप टॉप फर्स्ट होंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डोंट फोकस ऑन अदर पीपल, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, मेक योर ओन स्ट्रेटजी and work according to that strategy. Everyone will have some different strategy, everyone have different approach for studies, so what is suitable for you, follow that and you will definitely achieve a good rank. Second jo important aapko yahan rakhna hai ki don't try to read any new topic, first complete all what you have studied, revise usko, pura revise kariye usme perfect hoiye, fir aap naye topic pe jayenge. Jaise computer network aapne complete kiya hai, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में सम न्यू टॉपिक्स आर इंट्रोड्यूस दिस ईयर लाइक ICMP, DHCP, आपने हो सकता है नहीं पढ़े हो, तो फर्स्ट रिवाइज कंप्यूटर नेटवर्क कम्प्लीटली, टेस्ट में अपीयर हुई है जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड है, इफ़ यू आर परफेक्ट विथ दिस टॉपिक, और आफ्टर दैट अगर कुछ टाइम बचता है देन गो फॉर न्यू टॉपिक। नए टॉपिक कवर करने के उसमें आप ऐसा नहीं हो कि जो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज नहीं कर पाए, पहले रिवाइज करिए व्हाट यू नो ऑलरेडी, देन गो फॉर सम न्यू टॉपिक्स। पूरा सब्जेक्ट कवर करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई टॉपिक तो होता ही है जो हर स्टूडेंट का वीक होता है। जो मेरा डिस्कशन होता है टॉपर्स से, उन लोगों से जो बात हुई है, यही है कि हर किसी न किसी का कोई ना कोई टॉपिक तो वीक होता ही, कोई ना कोई सब्जेक्ट में सम टॉपिक्स आर देयर विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम, तो उन पर नहीं फोकस करो, वॉट यू हैव स्टडी जो आप कंफर्टेबल हो उनको बहुत अच्छे से फोकस करो, उनका बार बार रिविजन करो, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल। ओके, तो जो नहीं आता है उसको ज़्यादा नहीं सोचो, इट इज़ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि जो आपको नहीं आता है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, है ना, तो जो नहीं आता उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करना, क्या आता है पॉजिटिव सोचो, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता है तो आपको बहुत सारा लगेगा कि मुझे बहुत सारा नहीं आता है। तो हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक ऐसा हो सकता है जो आपको कंफर्टेबल नहीं हो, तो फॉरगेट अबाउट दैट टॉपिक,
रिमेनिंग सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से करो. कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपको TCP/IP डिफिकल्ट लगता है तो उसको ठीक है छोड़ दो. 5 क्वेश्चंस भी आएंगे तो सभी 5 TCP में से नहीं आएंगे ना, रिमेनिंग 4 दूसरे टॉपिक्स में से भी आएंगे. तो इस तरह से कि पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, लेकिन जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको हमने नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मेक अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर रिविजन एंड टेस्ट सीरीज. स्ट्रिक्ट शेड्यूल इट मीन्स यू हैव टू फॉलो दैट, है ना. तो वॉट शुड बी योर रिविजन स्ट्रेटेजी. तो इन आवर टेस्ट सीरीज वी आर हैविंग 8 फुल लेंथ टेस्ट इन द एंड. तो बिफोर फुल लेंथ टेस्ट यू शुड रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट का रिविजन उसके पहले हो जाए, सो दैट वेन यू अपियर इन द टेस्ट यू कम टू नो कि वॉट आर यूर वीक, ना कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो यू कैन रिवाइज दैट सब्जेक्ट ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज. तो इस तरह से आप टारगेट सेट करो और उसको अचीव करो, उसको फॉलो करो. तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि 13 या 14 जनवरी तक आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा सारी चीज़ों को चेक करने के लिए. हम लोग अभी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं. तो अगर आप लास्ट मंथ प्रिपरेशन ज़िल के साथ हमारे साथ करना चाहते हैं तो वी आर हैविंग ए क्रेश कोर्स. आप उस क्रेश कोर्स के डिटेल्स पता कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अवर ऐप. तो डाउनलोड द ऐप एंड फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ क्रेश कोर्स. इस करंट कोविड सिनेरियो में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. आप अपने को फॉर स्टडीज़ आप एक 1 मंथ के लिए अपने को होम क्वारंटाइन कर लीजिए. तो इससे ये होगा कि प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी होगी और एनी सच सॉर्ट ऑफ कोविड इन्फेक्शन वो भी आप उसको अवॉइड कर लेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगी इज़ स्टे हेल्दी. हेल्दी स्टे करने के लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा. लाइफ स्टाइल चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल इन 30 डेज. लेकिन लाइफ स्टाइल के 2 जो आस्पेक्ट्स है वो आपको चेंज करने होंगे. एक है आपकी स्लीपिंग हैबिट. आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट सेट करनी है अकॉर्डिंग टू स्लॉट ऑफ गेट अलोकेटेड टू यू. अगर आपको मॉर्निंग का स्लॉट अलोकेट है और आपको रात में पढ़ने की आदत है, आप रात में जागते हो और मॉर्निंग का स्लॉट अलोकेट है, तो गेट वाले दिन भी आपको रात में नींद नहीं आएगी और डेफिनेटली आप उस दिन फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना. अगर आपका माइंड एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी तो आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको गेट में मॉर्निंग स्लॉट अलोकेट हुआ है तो आप अपनी हैबिट डालेंगे कि रात में आप प्रॉपर स्लीप लेंगे और आप अर्ली मॉर्निंग में उठ जाएंगे, है ना. इसी तरह से अगर आपको आफ्टरनून का स्लॉट अलोकेट है और आपको दिन में सोने की आदत है तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. तो आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट को सेट करना है अकॉर्डिंग टू द स्लॉट ऑफ गेट अलोकेटेड टू यू. तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हमको हमारा स्लीपिंग हैबिट सेट करना है अकॉर्डिंग टू द स्लॉट ऑफ गेट अलोकेटेड. लेकिन जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, हम 30 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें. तो अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है कि आपको 12 आवर्स स्टडी करनी है तो आपको कंटिन्यूसली 12 आवर्स नहीं बैठना है. स्टार्ट मॉर्निंग में आप, है ना, उठे हैं आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे, देन टेक अ ब्रेक. टेस्ट दिया है, 3 आवर का टेस्ट है. टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है तो इमीडिएटली टेस्ट के बाद आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करिए. 3 आवर्स के टेस्ट के बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो टेक अ स्मॉल ब्रेक, आफ्टर दैट ब्रेक आप टेस्ट का एनालिसिस परफॉर्म करिए. तो कंटिन्यूस स्टडी करने की जगह आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेके स्टडी करिए सो दैट यूर बोथ योर बॉडी एंड माइंड विल बी रिलैक्स्ड. तो स्टे हेल्दी में नेक्स्ट एस्पेक्ट है डाइट. डाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट बनाओ उसको फॉलो करो. डाइट से ये कि जो भी आपके घर में बन रहा है उसको आप टाइमली, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो जो भी आपके घर में बन रहा है उसको टाइमली आप लेते जाइए. अवॉइड आउटसाइड फूड, अवॉइड जंक फूड, प्लस पानी जो वाटर इनटेक है वो भी प्रॉपर होना चाहिए. यह भी समय है कि आपको हेल्दी रहना है ना. एक भी दिन अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपकी गेट रैंक बहुत पीछे हो जाती है. और फूड इज़ द वन ऑफ द सोर्स कि आपने अगर ढंग से नहीं लिया आपने कुछ तो आप बीमार हो सकते हो. तो इसलिए अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा फोकस करिए. इट इज़ मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर यू और यू नो द कोविड सिचुएशंस. आपको देखा ही होगा आपने कि जब आप मॉल या कहीं भी किसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो बिफोर दैट आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है और इफ इट इज़ हाई यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन एग्ज़ाम. तो इट में पॉसिबल कि गेट में भी ऐसा ही कोई रूल वो फॉलो करे. तो आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन अवॉइड करनी है कि आप जिससे बीमार हो जाए. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप टिल गेट एग्ज़ाम होम क्वारंटाइन योर सेल्फ. तो फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी. ऐसे लोग जो आपको निगेटिव करते हैं, आप में निगेटिविटी लाते हैं, उनसे आप दूर रहेंगे. आपका बेस्ट फ्रेंड भी और उससे मिलकर आपको लगता है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो उस फ्रेंड को भी आप जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक उससे मिलना अवॉइड करेंगे. फोकस ऑन हाउ यू कैन मेक बेस्ट ऑफ योर सेल्फ इन एग्ज़ाम. जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लाइक अवॉइड कंपैरिजन, टेक हेल्दी फूड, टेक प्रॉपर नेप,
ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगी, और अगर आप निगेटिव पीपल को अवॉइड करेंगे तो आप एक पूरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक पर्सनैलिटी जो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है. गेट इज़ वेरी क्रूशियल एग्जाम फॉर यू, और इफ़ यू आर पॉजिटिव तो डेफिनेटली यू विल स्टेप अप एंड यू विल अचीव अ वेरी गुड रैंक इन एग्जाम. वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड ड्रॉपर. तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, इट मीन्स यू आर टॉपर, यू आर नॉट अ ड्रॉपर. क्यों? क्योंकि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने मोटिवेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना? तो आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे, ये शो कर रहा है कि यू आर अ टॉपर. तो डेफिनेटली यू विल बी अ टॉपर इन द गेट. और इफ़ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, प्लीज़ कमेंट. और अगर आपको एनी कोई भी डाउट है गेट या कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू गेट एग्ज़ाम तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.